नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति अग्रवाल। मैं मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करती हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ एक लेडीज़ की प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मतलब आप अपना पेशाब नहीं रोक पा रहे हैं और किसी किसी कंडीशन में आपका पेशाब लीक हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे हम लोग बहुत शर्माते हैं, हमें इससे बहुत दुख होता है, हम चिंतित हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि किससे इसकी बात करें और क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ये प्रॉब्लम ज़्यादा हम देखते हैं 50 साल के बाद महिलाओं में देखी जाती है, और इसमें 40% महिलाओं में 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है, हमें ठीक डॉक्टर के पास ठीक टाइम से जाना है। ये दो टाइप की हो सकती है। पहले टाइप को बोलते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। मतलब आपका पेशाब तब लीक हो जाता है जब कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, जैसे आप खांसें या आपको छींक आए या फिर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि थोड़ा सा पेशाब निकल जाता है, और इसलिए आप ये सब काम करने से बहुत घबराते हैं और आपको इसकी चिंता होती है। लेकिन इसके लिए हमें पता है कि हम अगर एक्सरसाइज करें और एक हम अपनी पेल्विक मांसपेशियों का, मतलब नीचे की मांसपेशियां जो हमारी ब्लैडर और उस एरिया यूट्रस को सपोर्ट करती हैं, अगर उनकी अच्छे से एक्सरसाइजेस करें तो हम ये कंडीशन को करेक्ट कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में भी करनी चाहिए, सब प्रेग्नेंट औरतों को ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और साथ में ये भी है कि प्रेगनेंसी के बाद तो हमको डेफिनेटली ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई भी औरत चाइल्डबर्थ में होती है या बच्चा पैदा होता है तो उसकी नीचे की मांसपेशियाँ थोड़ी लूज हो जाती हैं, और बाद के पीरियड में ये एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि हमें कम प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। और दूसरी टाइप की इनकॉन्टिनेंस जो हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। मतलब हमें पेशाब लगता है कि हमारी पेशाब की थैली भर गई, हमें पेशाब आया, तो उसके बाद हम एक सेकंड भी नहीं रुक सकते हैं, हमें फटाफट टॉयलेट पहुंचना है, और कभी कभी टॉयलेट पहुंचते पहुंचते भी यूरिन लीक हो जाता है। तो ये सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम है, इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, और ये भी देखी जाती है। इसमें भी हम बहुत घबराते हैं क्योंकि कहीं भी बाहर जाएं तो हमें पहले टॉयलेट चाहिए, तो इसलिए हमें ध्यान होना होता है। मॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे टॉयलेट है, कहीं बाहर जाते हैं तो फिर ढूंढते हैं। अगर कोई रोड ट्रिप हो तो हम वो करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें घबराहट होती है कि हमें कैसे हम ये सब मैनेज करेंगे। तो इस सब चीज़ों को, कंडीशन को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ठीक डॉक्टर के पास पहुँचना है। दूसरा, वो डॉक्टर देखेंगे कि हमें कोई यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि एक कॉमन कॉज इस टाइप के इनकॉन्टिनेंस का इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद नॉर्मली जो एडवाइस डॉक्टर्स आपको देंगे, एक तो आपके अपने लाइफस्टाइल का बहुत ध्यान रखना है। तो लाइफस्टाइल में क्या करना है, सबसे पहले अपनी डाइट। तो डाइट में जैसे अगर कोई धूम्रपान करता है तो वो नहीं करना चाहिए, अगर हम ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेते हैं तो उसको लिमिट करना चाहिए, अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो उसको भी लिमिट करना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि आपको कोई विटामिन डेफिशिएंसीज नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आपके ठीक हैं, बाकी विटामिन विटामिन डी वगैरह ठीक हैं, ये ध्यान देना है। कुछ एक्सरसाइज करनी है, अपने वेट को नॉर्मल मेंटेन करना है, क्योंकि देखा गया है कि जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इसलिए हेल्दी वेट मेंटेन करने की कोशिश करनी है। साथ साथ में कॉन्स्टिपेशन का भी ध्यान देना है। कॉन्स्टिपेशन मतलब हमें कब्ज हो, वो नहीं होनी चाहिए। तो कब्ज के लिए हम ज़्यादा फाइबर लें डाइट में, ऐसी चीज़ें लें, सब्जियाँ फल, जिससे हमें स्टूल मोशन ठीक से हो। इन सब चीज़ों का तो हमको ध्यान देना ही है ना। और दूसरा, हमको ये भी ध्यान देना है कि आपको डॉक्टर्स सिखाएंगे अपने ब्लैडर को ट्रेन करना, या ये ध्यान देना कि हम कैसे कंट्रोल कर सकें कि हमें जल्दी जल्दी यूरिन के लिए नहीं भागना है, वो भी आपको कुछ एक्सरसाइजेस डॉक्टर्स सिखाएंगे। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी होती हैं और कुछ सर्जरीज, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए जा सकते हैं, अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं हेल्प करें तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का हमारे पास एक सल्यूशन है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं,
और आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलें अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है। शुक्रिया।